एंड आई एम ईशान वेलकम बैक टू थ्री सिक्सटी गैन दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ कि माध्यमिक शिक्षा मंडल के बारहवीं क्लास में अस्सी परसेंट वाले स्टूडेंट को दोस्तों फाइनली पच्चीस हज़ार रुपये कब तक मिल जाएंगे इसके रिगार्डिंग दोस्तों एक लेटेस्ट अपडेट आया है दोस्तों ऑफिशियली अपडेट है तो उसको इस वीडियो में बताऊँगा और दोस्तों एक बहुत बढ़िया खबर है फाइनली दो हज़ार उन्नीस के स्टूडेंट को भी लैपटॉप योजना का फायदा मिलने वाला है इसके रिगार्डिंग की दोस्तों आपको अपडेट बताने वाला हूँ तो वीडियो को अंत तक देखें बिल्कुल भी स्किप ना करें अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए बेल पर क्लिक करना ना भूलें जिससे आपको मेरे लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल सके तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको इस साल के जो क्लास अस्सी परसेंट वाले स्टूडेंट उनको लैपटॉप के लिए पच्चीस रुपए उनके अकाउंट में कब तक ट्रांसफर कर दी जाएंगे आइए दोस्तों रिगार्डिंग आपको अपडेट बता देता हूं तो यहाँ पर दोस्तों मैंने शिक्षा पोर्टल ओपन कर लिया है यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं फाइनली कल की डेट में एक अपडेट आया है जिसमें आप देख पाएंगे महत्वपूर्ण सूचना जिसमें कहा गया है कि संचालन के पत्र क्रमांक शिक्षा पोर्टल विद्यालैपटॉप पंद्रह तीस दिनांक नौ नौ दो का अवलोकन करने का कष्ट करें जिसके अनुसार प्रतिभाशाली छात्र प्रोत्साहन योजना अंतर्गत प्राप्त विद्यार्थियों के बैंक खाते की जानकारी तत्काल अपडेट किया जाना है मतलब दोस्तों यहाँ पर कहा गया है एक नौ सितंबर को नोटिस आया था जो भी मेधावी छात्र हैं उनकी पर जो बैंक अकाउंट है उसकी डिटेल को यहां पर देने का यहां पर जानकारी टेंशन फ्री हो जाएगी ट्वेल्थ आपके, आपके में अस्सी है तो फाइनली दोस्तों आपको पच्चीस जल्द से जल्द आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे दोस्तों देखिए पहले उम्मीद थी कि अभी उपचुनाव आ गए तो उसके चलते हो सकता है कि इस काम को डिले कर दिया जाए पर दोस्तों काफी कम चांस लग रहे हैं कि कोई भी काम डिले होगा पहले उम्मीद की जा रही थी कि थर्टी एट दिन बाद आपको फाइनली आपके जो लैपटॉप के लिए पच्चीस हजार रुपए की राशि बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी पर दोस्तों अब ऐसा नहीं हो रहा है अब हो सकता है कि आपकी जैसे ही बैंक अकाउंट यहां पर सारी कुछ जानकारी स्कूली शिक्षा विभाग के पास पहुंचती है तो उसके बाद दोस्तों आप मान के चलिए कि यहां पर एक सप्ते का समय इसमें लग सकता है तो आपके पास दोस्तों कंफर्मली एक सप्ते बैंक अकाउंट में पच्चीस हजार रुपए की राशि ट्रांसफर कर दी जाएगी अगर आपके ट्वेल्थ में अं� यहां पर एट्टी परसेंट है तो दोस्तों काफी बड़ी आप डेट है आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है आपको ओनली अपने विद्यालय से कॉन्टेक्ट कर लीजिए एक बार कि मेरे ट्वेल्थ में 80 है तो दोस्तों से आपको सारा कुछ पर जानकारी मिल जाएगी तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह दोस्तों सारे कुछ तैयार कर लीजिए जैसे बैंक पासबुक वगैरह आधार कार्ड वगैरह सारे कुछ आप तैयार कर लीजिए और आपकी जो ट्वेल्थ की मार्कशीट है इस साल की उसकी एक फोटो वगैरह आप सारे डॉक्यूमेंट तैयार करके रखिए अगर आपने अभी तक अपनी जानकारी अपने स्कूल में जमा नहीं की है तो अब हम दोस्तों बात कर लेते हैं कि फाइनली दो के स्टूडेंट को दोस्तों लैपटॉप के लिए पच्चीस हजार रुपए की राशि कब तक ट्रांसफर कर दी जाएगी तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं आज ही का अपडेट है जिसमें कहा गया है कि 2019 के मेधावी छात्रों को भी मिलेंगे लैपटॉप अवसर जुटा रहे हैं जानकारी तो अब दोस्तों इस खबर को आपको मैं विस्तार से बता देता हूँ और समझा देता हूँ तो इसमें कहा गया है कि वर्ष 2019 में माध्यमिक शिक्षा मंडल के हायर सेकेंडरी परीक्षा में अस्सी फीसदी उससे अधिक अंक लाने वाले मेधावी छात्र छात्राओं को लैपटॉप की राशि मिल सकती है मतलब दोस्तों यहाँ पर क्लियर कर दिया है क्या है कि जिस भी स्टूडेंट की दो में अस्सी या उससे ज़्यादा आए थे उनको यहाँ पर लैपटॉप के लिए पच्चीस की राशि

शीर्षक से खबर प्रकाशित की थी दोस्तों यहाँ पर एक देखिए जो अपडेट आया था दोस्तों स्टार की ओर से आठ सितंबर को जिसमें दोस्तों पर डिमांड की गई थी कि दो के स्टूडेंट को बुला यहाँ पर बुलाया लिया गया है सरकार की ओर से तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पर फाइनली काफी बढ़िया यहां पर डिसीजन लिया गया है हमारे जो स्कूली शिक्षा मंत्री हैं इंदर सिंह परमार उनकी ओर से तो दोस्तों देखिए इंदर सिंह परमार की ओर से क्या गया है क्या कहा गया है तो यहाँ पर कहा गया है कि होना छात्रों को लाभ देने की कोशिश वर्ष दो के मेधावी छात्रों को कांग्रेस सरकार ने लैपटॉप की राशि नहीं दी है लेकिन हम इन होनार विद्यार्थियों को लाभ देने का प्रयास कर रहे हैं छात्रों की संख्या आदि की जानकारी जिला स्तर पर जुटाई जा रही है इंद्र सिंह परमार मंत्री स्कूली शिक्षा तो यहाँ पर दोस्तों काफ़ी बढ़िया अपडेट है अभी आपकी जो जानकारी है 2019 के स्टूडेंट की दोस्तों भाई उस जानकारी को इकट्ठा किया जा रहा है तो दोस्तों इसमें थोड़ा सा समय लग सकता है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर लंबा प्रोसेस रहेगा अभी इसमें थोड़ा सा आपको समय लग सकता है पर दोस्तों यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चांसेस हो गए कि इस बार भी दो के जो स्टूडेंट हैं जिनको लैपटॉप के लिए राशि नहीं मिल पाई थी उनको फाइनली दोस्तों पच्चीस हज़ार की राशि यहाँ पर बीजेपी सरकार की ओर से दी जाएगी तो दोस्तों इसके रिगार्डिंग जो भी लेटेस्ट अपडेट आएगा तो सबसे पहले मैं अपने चैनल पर दे दूंगा तो आप मेरे चैनल पर जुड़ जाइए तो फिलहाल दोस्तों आज की इस वीडियो में इतनी ही कुछ जानकारी थी आई होप दोस्तों आपको मेरी यह जानकारी पसंद आई है जानकारी पसंद आई वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें जय हिंद जय भारत